प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम समझा रहे हैं वह प्रॉब्लम यह है कि हमारे लिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स की हमसे रैंक पूछी है और ये कहा गया है कि रैंक जो ज्ञात करनी है उसको हम पहले मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे, फिर उसकी सहायता से हमारे लिए रैंक ज्ञात करनी है। तो देखिए, आज की हमारी प्रॉब्लम यह है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए बराबर, ये मैट्रिक्स का चिन्ह लगा दिया, 1, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 4, 7 आफ्टर रिड्यूसिंग इनटू नॉर्मल फॉर्म। इसका हिंदी में मतलब यही है जो आपको मैंने बतलाया था कि मैट्रिक्स ए की नॉर्मल फॉर्म परिवर्तित करके इसकी रैंक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको बतलाया था, किसी मैट्रिक्स को जब नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करते हैं तो उसके चार रूप में से कोई एक रूप बन के आता है। तो जब हम इस मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करेंगे तो इसका भी उन चार रूपों में से कोई एक रूप निकल के आएगा। क्लियर? तो और ये भी बतलाया था हमने कि जब हम किसी मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म ज्ञात कर रहे होते हैं तब हम उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाते हैं। हम नॉर्मल फॉर्म परिवर्तित करते समय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा दें या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा दें या दोनों लगा दें, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए, कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी होती हैं जिनमें आप केवल एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनमें हम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस नहीं लगा सकते हैं। ये जो आप प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बहुत सारे थॉर्म में पढ़ते हैं, उन थॉर्मों में लिखा रहता है, उन थॉर्मों से आपको मालूम पड़ जाएगा, उन प्रमा से आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहाँ पर आप कौन सा ऑपरेशन लगा सकते हैं। नॉर्मल फॉर्म बनाने के समय आप कोई सा भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। एक ऑपरेशन आप चार बार लगाइए, दो बार लगाइए, जितनी बार आपका मन हो उतनी बार लगाइए या कोई सा ऑपरेशन लगाइए, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। क्लियर? बस केवल यह है कि उसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाना चाहिए नियमानुसार। और मैंने आपको ये बतलाया था कि जब नॉर्मल फॉर्म बनाते हैं तो हम प्रयास ये करते हैं कि अधिक से अधिक स्थानों पर शून्य आ जाए और एक आ जाए, और जहाँ तक हो वहाँ तक नेगेटिव मेंबर ना आए, नेगेटिव एलिमेंट्स ना आए और फ्रैक्शंस में ना आए। क्योंकि यदि नेगेटिव आ जाता है या फ्रैक्शंस में आ जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसी प्रकार से ऑपरेशन लगाते समय आप ये देख लीजिए कि कहीं फ्रैक्शंस तो नहीं आ रही है, कहीं ऑपरेशन लगाने के बाद कोई संख्या नेगेटिव तो नहीं आ रही है। आप प्रयास ही कीजिए, मजबूरी है तब तो बात और है, तो लगाना ही पड़ेगा आपके लिए है। तो अब आपको हम प्रश्न सॉल्व करके दिखलाते हैं। हमारे लिए सबसे पहले लिख दिया हमने गिवन ए बराबर, ये हमारे लिए जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ था वो हमने लिख दिया। अब इसको हम नॉर्मल फॉर्म में परिवर्तित करने के लिए जो ऑपरेशन लगा रहे हैं वे ऑपरेशन ए दोनों लिखे हैं। सबसे पहले हमने ये ऑपरेशन जो है C2 और C3 में लगाया है। C2 में जो ऑपरेशन लगाया है उसमें हमने लगाया है C2 - C1, अर्थात दूसरे स्तंभ में से पहले स्तंभ के अवयव घटाए जाएंगे और घटाने के बाद जो फल प्राप्त होगा वह दूसरे स्तंभ के स्थान पर लिखा जाएगा। और एक ऑपरेशन लगाया हमने C3 change C3 - C2। कहने का तात्पर्य यह है कि हम तीसरे स्तंभ में ये ऑपरेशन लगा रहे हैं और ये इसमें से क्या है, दूसरे इस तीसरे स्तंभ में से के एलिमेंट्स में से संगत एलिमेंट्स दूसरे स्तंभ के घटाए जाएंगे और जो फल प्राप्त होगा वह तीसरे स्तंभ के स्थान पर लिखा जाएगा। तो अब यहाँ पर हमें ये निशान लगा देते हैं, तरंग का निशान लगा देते हैं, बराबर का निशान नहीं लगाते हैं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर नहीं है इस समय। क्लियर? ये मैट्रिक्स जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इनको हम एक दूसरे के बराबर परिवर्तित करके इन्हें एक दूसरे के बराबर ला सकते हैं। एक होता है इक्वल मैट्रिक्स, एक होता है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स भी मान सकते हैं आप इसको, लेकिन इक्वल मैट्रिक्स नहीं मान सकते आप इसके लिए, इसलिए आप यहाँ पर तरंग का निशान लगाएंगे।
तो हम जब यह ऑपरेशन लगाया तो पहले वाले कॉलम में तो हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, इसलिए पहले वाले कॉलम के एलिमेंट जो हैं 1, 2, 3 वैसे के वैसे लिख जाएंगे जैसे दिए हुए हैं। अब दूसरे कॉलम में से हमने पहले कॉलम के संगत एलिमेंट्स घटाए हैं, तो हम 2 में से तो 1 घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाएंगे और 3 घटाएंगे, और जो फल प्राप्त होगा वह दूसरे कॉलम के स्थान पर लिखा जाएगा। तो यहाँ हमें 2 में से 1 गया 1 बचेगा, 3 में से 2 जाएंगे 1 बचेगा, और 5 में से 3 जाएंगे घटाएंगे तो 2 बचेगा। तो यहाँ पर दूसरे कॉलम के स्थान पर हमारा आंसर आ जाएगा 1, 1, 2। फिर इसके बाद हमने एक ऑप्शन लगाया है C3 - C2, तीसरे कॉलम में से दूसरे कॉलम के संगत अवयव घटाए हमने। तो जब ये इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो हम इस 3 में से 2 घटाएंगे तो हमें 1 फल प्राप्त होगा, 4 में से हम 3 घटाएंगे तो हमें 1 फल प्राप्त होगा, और 7 में से हम 5 घटाएंगे तो हमें 2 फल प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स में ये 2 ऑपरेशन लगाने के बाद इसके इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ हमारे लिए वो बराबर इतने प्राप्त हो गया। लेकिन ये अभी नॉर्मल फॉर्म नहीं आ पाई है, इसलिए फिर हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। हमने बताया था कि आप नॉर्मल फॉर्म बनाने के समय हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक स्थानों पर 0 आ जाए और 1 आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे C3 change C3 - C2। C3 change - C2 का मतलब यह है कि C3 के अवयवों में से C2 के संगत अवयव घटाए जाएंगे और उनको जो फल प्राप्त होगा वह C3 के स्थान पर लिखा जाएगा। तो हम इस और पहले और दूसरे में स्तंभ में कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो पहला स्तंभ तो वैसा का वैसा लिख जाएगा 1, 2, 3 1, 1, 2। अब जब इसमें ऑपरेशन लगाएंगे तो इस 1 में से हम ये वाला 1 घटाएंगे तो यह फल प्राप्त हो जाएगा 0, इस 1 में से ये वाला 1 घटाएंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा 0, और इस 2 में से 2 घटाएंगे तो फल प्राप्त हो जाएगा 0। इस प्रकार से इस स्तंभ के सभी अवयव जो हैं हमारे 0 बन जाते हैं। अब हम फिर ऑपरेशन लगाएंगे, फिर इसमें ऑपरेशन लगाएंगे हम R2 change R2 - R1, और एक ऑपरेशन लगाएंगे R3 change R3 - R2। तो ये पहला वाला ऑपरेशन जो लगा रहे हैं R2 change R2 - R1, इसका मतलब ये है कि जो हम घटाएंगे वह R2 के मेंबरों में से घटाएंगे, R1 के संगत मेंबरों को घटाना है, और फल जो प्राप्त होगा वह R2 के स्थान पर लिखा जाएगा। तो जब हम और इसमें जो है तीसरे R3 के तीसरी पंक्ति के रोमाने पंक्ति तीसरी पंक्ति के अवयव में से दूसरी पंक्ति के संगत अवयव घटाएंगे और जो फल प्राप्त होगा वो R3 के स्थान पर लिखा जाएगा, तीसरी पंक्ति के स्थान पर लिखा जाएगा। और पहली पंक्ति में हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो पहली पंक्ति तो बिल्कुल वैसी की वैसी लिखी रहेगी जैसी है। तो यहाँ पर तो आपका लिखा रहेगा 1, 1, 0, क्लियर। और जब इसमें से आप ये घटा रहे होंगे संगत मेंबर तो यहाँ प्राप्त होगा 1, 0, 0, और जब इसमें से ये वाले मेंबर घटा रहे होंगे R3 में से R2 के संगत अवयव घटा रहे होंगे तो आपको फल प्राप्त होगा 1, 1, 0। इस प्रकार से आपको ये फल प्राप्त हो जाता है। अब आप क्या कहिए, अभी देखिए इसमें 9 एलिमेंट्स थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 में से आपके 1, 2, 3, 4 चार स्थानों पर 0 आ चुका है, और 3, 4 स्थानों पर 1, 2, 3, 4 स्थानों पर 0 आ चुका है, और 1, 2, 3, 4, 5 5 स्थानों पर 1 है। अब हम और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक स्थानों पर 0 लाने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी प्रयास कर रहे हैं कि इसकी नॉर्मल फॉर्म बन जाए। नॉर्मल फॉर्म बनाने में हमें अंत में जो रूप प्राप्त होता है वो कोई रूप प्राप्त हो जाए, तो हम इसमें लगा दे रहे हैं R3 change R3 - R1। R3 - R1 का मतलब ये है कि तीसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के संगत अवयवों को घटाया जाएगा, और घटाने के बाद जो फल प्राप्त होगा वह तीसरे पंक्ति के स्थान पर लिखा जाएगा। तो पहली पंक्ति में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया,
इसलिए वैसी की वैसी लिखी रहेगी, एक एक जीरो। दूसरी पंक्ति में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, इसलिए वैसी की वैसी लिखी रहेगी, एक जीरो जीरो। अब तीसरी पंक्ति में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं और उसमें से क्या कर रहे हैं, हम आर वन के संगत अव्यय घटा रहे हैं। तो जब इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, और जीरो में से जीरो घटाएंगे तो यहाँ जीरो आ जाएगा। अब ये लगभग हमारा प्रश्न जो है हल होने पर आ रहा है, अर्थात नॉर्मल फॉर्म बनने पे आ रही है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हमने अगर इसमें ये ऑपरेटर लगा दिया जाए, ऑपरेशन लगा दिया जाए C1 चेंज C2, तो कुछ सुविधा हो जाएगी। तो C1 चेंज C2 का मतलब ये है कि जहाँ पर पहला कॉलम लिखा हुआ है वहाँ पर हम दूसरा कॉलम लिख दें, और जहाँ दूसरा कॉलम लिखा हुआ है वहाँ पहला कॉलम लिख दें, मतलब कॉलम के स्थान आपस में परिवर्तित कर दें। तो इसके बाद हमें प्राप्त होगा ए तरंग, ये तो वाला पहुँच जाएगा पहले के स्थान पर, एक जीरो जीरो, और ये पहुंच जाएगा दूसरे स्तंभ के स्थान पर, एक एक जीरो, और तीसरा कॉलम जो है वो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, जीरो जीरो जीरो। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म बनाने के लिए हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R1 चेंज R1 माइनस R2। इसका मतलब ये हुआ कि पहली वाली पंक्ति के अव्यवों में से हम दूसरी पंक्ति के अव्यवों को घटा रहे हैं, संगत अव्यवों को, और जो फल प्राप्त हो रहा है वो पहली पंक्ति के स्थान पर लिखा जा रहा है। ठीक, ये आपको संकेतों के माने मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर R1 लिखा है तो क्या मतलब है, C1 लिखा है तो क्या मतलब है, यहाँ पर माइनस लिखा है R1 माइनस R2 लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, R2 माइनस R1 लिखा है तो क्या करना पड़ेगा, कहाँ पर कौन से एलिमेंट्स लिखा जाएगा, ये सब नहीं मालूम होना चाहिए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नॉर्मल फॉर्म किस रूप में आती है, अंत में क्या फल प्राप्त होता है, जिससे कि आप उस पर निष्कर्ष निकाल सकें कि आप नॉर्मल फॉर्म प्राप्त आपको हो गई नहीं हो गई। तो जब हम घटाएंगे तो इस तीसरे में तो कोई हमने कॉलम ऑपरेशन लगाया नहीं है और ना दूसरे में लगाया है, तो दूसरी पंक्ति तो वैसी की वैसी लिख जाएगी, जीरो एक जीरो, और तीसरी पंक्ति वैसी की वैसी लिख जाएगी, जीरो जीरो जीरो। अब हम पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति के संगत अव्यव को घटाएंगे तो हमें फल प्राप्त होगा, यहाँ पर घटाएंगे एक में से जीरो तो कोई एक ही रहेगा, यहाँ पर एक में से एक घटाएंगे तो जीरो प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ जीरो में से जीरो घटाएंगे जीरो प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हमारे लिए ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ था उसका परिवर्तित रूप हमारे लिए ये प्राप्त हो गया। और अब हम जैसा जानते हैं कि नॉर्मल फॉर्म के जो चार रूप होते हैं उसमें से हमें एक रूप प्राप्त हो चुका है, तो इसको हम अब नॉर्मल फॉर्म के रूप में लिख देंगे, अर्थात इसके स्थान पर लिख देंगे हम I2। और ये जो जीरो आपके आए थे यहाँ पर, शून्य आए थे, उन शून्य के स्थान पर ये वाले शून्य लिख जाएंगे, और ये वाले शून्य आए थे वो इनके स्थान पर ये वाले शून्य लिख जाएंगे। और इस प्रकार से दिया गया मैट्रिक्स जो ए था उसका इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है जो नॉर्मल फॉर्म में है वो आपको ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर चूँकि आपको नॉर्मल फॉर्म में I2 प्राप्त हो रहा है, इसलिए आप लिखेंगे दिए गए मैट्रिक्स की रैंक 2 है। यदि यहाँ पर I3 प्राप्त होता तो आप लिखते दिए गए मैट्रिक्स की रैंक 3 है, यदि I4 प्राप्त होता तो आप लिखते दिए गए मैट्रिक्स की रैंक 4 है, 4 है, और यदि I1 प्राप्त होता तो आप लिखते दिए गए मैट्रिक्स की रैंक 1 है। यहाँ पर जो हमारा I का रूप आता है, यूनिट एलिमेंट यूनिट मैट्रिक्स का रूप आता है, उसी रूप के आधार पर हम तय करते हैं कि उस मैट्रिक्स की रैंक कितनी है। तो अब हमारे इससे हमें प्रतीत होता है कि जो मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ था उसकी रैंक 2 है। तो हमने आंसर लिख दिया, पहले तो हमने लिख दिया दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स ए। इसका मतलब यह है कि दिए गए मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म यही है। फिर हमने लिख दिया एंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2, और हमने लिख दिया इस मैट्रिक्स की रैंक जो है वो 2 है। अब इसको संकेत में लिखना चाहते हैं, ये तो हमने जो बात लिखी ये लैंग्वेज में लिखी है, भाषा में लिखी है, इसी बात को अगर हम संकेत में लिखेंगे तो हम लिखेंगे रो ए बराबर 2। रो जो है वो रैंक को डिफाइन कर दर्शाती है। ये जो इतना वाक्य लिखा हुआ है द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये पूरा वाक्य इसके बराबर है, इस
संकेत का मतलब यही है कि मैट्रिक्स एक ही रो दो है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। आपकी पाठ्य पुस्तकों में मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में बदलना या मैट्रिक्स की रैंक निकालना नॉर्मल फॉर्म में बदलने के बाद अनेकों प्रश्न दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों को कीजिए, अभ्यास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक बात और बता देता हूँ आपको कि ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मैंने ये आप प्रश्न लगाए हैं आप उसी क्रम में ये आप प्रश्न लगाएं। आपका मन है आप कोई सा आप प्रश्न पहले लगाएं, कोई सा बाद में लगाएं, नॉर्मल फॉर्म बनाने में ये किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है। केवल एक प्रतिबंध है, वो नॉर्मल फॉर्म बनाने में नहीं होता है, वो तो हर एक प्रश्न को हल करने में होता है कि जो भी काम हो वो नियमानुसार सही होना चाहिए, घटाना जोड़ना सब काम जो है वो सही होना चाहिए, तो कैसे आंसर लाने से काम नहीं चलता है। क्लियर? तो आज की बात पूरी होती है, मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।